नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट इन गुड़गांव। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं एक अफोर्डेबल हाउसिंग गुड़गांव पे, एंड उस पर फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस भी मैंने एक और वीडियो बना रखा है। वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इससे पहले वो देख सकते हैं। इस पे मैं बताने वाला हूं कि कौन सा प्रोजेक्ट किस हिसाब से सिलेक्ट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास पिछले 5-6 दिन से बहुत पूछा जा रहा है। बैंगलोर, कोची, मुंबई से भी लोग पूछ रहे हैं, तो जो बाहर के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, अलग अलग स्टेजेस पे हैं, आगे भी बहुत आ रहे हैं, तो मैं एक टेम्पलेट लेकर आया हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स को बताना, बार बार उनको कवर करना, तो फिर वही काम रह जाएगा। तो वो आई विल नॉट गेट इन टू दैट माइक्रो डिटेल्स, बट मैं आज आपको एक टेम्पलेट ही बताने वाला हूं, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको काफी आइडिया हो जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग गुड़गांव में अबाउट 9 बिल्डर्स हैं, 8 से 9 बिल्डर्स हैं जिनने एक से ज्यादा प्रोजेक्ट बनाए हैं, जो आप आराम से गूगल करेंगे तो उनके नाम आपको पता चल जाएंगे। तो इन बिल्डर्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ए टॉप क्लास, बी मिडिल बीच वाले, और सी थोड़े डिफॉल्टर टाइप से। तो ए, बी और सी, और लोकेशन जो है वो भी हम 3 तरह में डिवाइड करेंगे, ए टॉप की लोकेशन, बी थोड़ी बीच की लोकेशन, और सी बहुत हल्की लोकेशन। तो अब हमें ये देखना है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कोई नहीं है। टॉप क्लास बिल्डर बहुत हल्की लोकेशन पे भी आ रहा है, जब टॉप क्लास बिल्डर टॉप लोकेशन पे आता है तो 17,000 एप्लीकेशन जाती है प्रोजेक्ट की, 700 फ्लैट के, तो वो सब पूरी दुनिया को पता चलता है, बहुत ही रेयरिटी है। अब बी क्लास जो बिल्डर है वो टॉप की लोकेशन पे भी आता है, यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, और जो ये वाले बिल्डर्स हैं ये यहां पे भी आ सकते हैं, यहां पे भी आ सकते हैं, यहां पे भी आ सकते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि कौन सा बिल्डर है और लोकेशन कैसे है। तो उसमें अगर 2 रूल आप सिद्धांत अपना लें तो आप रॉन्ग नहीं होंगे, फिर बार बार किसी से पूछना नहीं पड़ेगा ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, बिकॉज वो एक एंडलेस क्वेश्चन हो जाता है। वो ये है जी, जो लोकेशन है उसकी वेटेज 70% है, लोकेशन की वेटेज 70% है, बिल्डर की वेटेज 30% है। बिल्डर्स अब बहुत कुछ गलत कर नहीं सकते, रेरा आ चुका है और बहुत ही बुनियादी मकान बनते हैं, इसमें इतना कुछ वैसे भी सोचने का है नहीं कि इसमें बिल्डर ही सब कुछ हो जाएगा, इतनी बहुत ज्यादा कोई एमिनिटीज नहीं आ रही, बहुत बुनियादी मकान बन रहे हैं, तो बिल्डर का 30% वेटेज है, जरूरी है उसमें भी, और लोकेशन का ये है। तो आपको इसमें एक चीज करनी है कि जो सी लेवल का बिल्डर है और सी लेवल की लोकेशन है, बिल्कुल नीचे की लोकेशन और इस लेवल का बिल्डर है, इनको अवॉइड कर दो। चाहे ये कभी ये सी बिल्डर बहुत टॉप की लोकेशन पे आ जाते हैं, एक आधे केसेस हैं, तो वो वहां पे फिर मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोकेशन बहुत शानदार है। पर अगर जो आने वाले हैं, अभी तो जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें लेना बहुत ही मुश्किल है, कुछ कैंसिलेशन यूनिट्स आती हैं वो कभी ले सकते हैं, लेकिन मैं अब आने वालों के लिए ही लोगों को बताऊंगा, जो आज प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं और जो थोड़े दिनों में और आगे आने वाले महीनों में आने वाले हैं उनके लिए आप ये टेम्पलेट अप्लाई कीजिएगा। टॉप का बिल्डर अगर बी लेवल लोकेशन पे भी आ रहा है तो ले लीजिए, बी लेवल का बिल्डर भी अगर टॉप की लोकेशन में आ रहा है या बी लेवल लोकेशन पे भी आ रहा है तो आप उसको ले सकते हैं। अब मैं इसमें आप लोगों को और थोड़ी क्लैरिटी आए कि एबीसी में क्या समझ में आता है, तो मैं आपको 5 प्रोजेक्ट्स के एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, 5 प्रोजेक्ट्स बताऊंगा। तो उसमें पहला एक एग्जाम्पल है, इसमें मैं 3 में प्रोजेक्ट्स के नाम नहीं लूंगा, आप लोग थोड़ा रिसर्च करके समझ जाएंगे या मुझसे पूछ सकते हैं, 2 के मैं नाम लूंगा क्योंकि तारीफ जब करनी हो तो खुल के कर सकते हैं। तो एक में टॉप का बिल्डर है, एक लोकेशन में टॉप का बिल्डर, एक टॉप का बिल्डर ने बनाया है, पोजीशन हो चुका है, जो उसकी लोकेशन है ना जी वो सी लेवल से भी घटिया है। अगर कोई लोकेशन हो, एक सबसे घटिया लोकेशन मान सकते हैं आपकी बिल्कुल नजफगढ़ नाले से एकदम टचिंग, 100 मीटर्स, ठीक है, 50 मीटर्स, उस लोकेशन पे पोजीशन हो चुका है, इस प्रोजेक्ट में एप्रिसिएशन आ चुका है क्लोज टू 70-80% और रेंटल यील्ड्स चल रही है 8%। तो अब आपको ये देखना है कि ये घटिया लोकेशन पे भी रिजल्ट क्या निकल कर आया। तो इसलिए आपको बहुत घबराना नहीं है, ये मैं लाइव एग्जांपल से बता रहा हूं जो हो चुका है और आप लोग आराम से क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये टॉप का बिल्डर, लोकेशन सबसे घटिया, तो ये इलाका उसमें है।
दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूं, मिड लेवल का बिल्डर, बी लेवल का बिल्डर, रियल एस्टेट में सबसे खराब लोकेशन मानी जा सकती है जी, शमशान घाट से टचिंग, मतलब वो फैसिलिटी दे रखी है कि उनने बिल्कुल ये वाली फैसिलिटी प्रोजेक्ट से टचिंग दे रखी है, तो काफी विचलित वाली सिचुएशन है ये। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पोजीशन हो चुका है, शमशान घाट से टचिंग है, वहां पे भी एप्रिसिएशन 65% आया है और रेंटल यील्ड 7% है। ये हटेगा, शमशान घाट हटेगा, गवर्नमेंट का जब भी आएगा 24 मीटर का रोड बनेगा, वहां से हट जाएगा, वो एक साल में हटेगा, दो में हटेगा, वो अलग स्टोरी है, लेकिन अभी वो हटा नहीं है, द्वारका एक्सप्रेस वे बना नहीं है। ये दोनों प्रोजेक्ट्स में द्वारका एक्सप्रेस वे का काफी रोल है, क्योंकि उसी पे है ये दोनों प्रोजेक्ट्स। अभी एक्सप्रेस वे बना नहीं है, एक वो गंदा नाला का तो कभी भी चेंज नहीं होगा, उसका रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, ये शमशान वाला चेंज होगा तो ये यस इसके रेट बढ़ेंगे, तो मैंने आपको ये वाला बता दिया। तीसरा प्रोजेक्ट एक बिल्डर ने 2016 में स्टार्ट करा था, 21 आ चुका है, अभी तक वो बना नहीं है और शायद एक साल और लगेगा बनने में, और वो तो बिल्डर, उसको आप गूगल करेंगे पता चलेगा, तो वो तो सी लेवल का बिल्डर हो गया भी, मकान ही डिले कर दिया उसने, दो साल तो डिले हो चुके हैं उसके। देखो 3 का 3.5 का 4.5 साल हो जाए तो चलता है, बट अगर आप उसको 5.5 साल की तरफ ले जा रहे हैं तो डेफिनेटली डिले है। रेरा से पहले का प्रोजेक्ट था, रेरा में आके मीटर रीसेट करके टाइम ले लिया है, तो वो चलो ठीक है, पर यहाँ पे कोई शिकायत नहीं कर रहा, उसकी लोकेशन इतनी बेहतरीन है, उसमें ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम बोलते हैं हम, कि भी जैसे बेच तो सकता नहीं कोई उसे, लेकिन जो ग्रे मार्केट बोलते हैं प्रीमियम, जैसे शेयर्स में बोलते हैं, वैसा उसका 55-60% हो चुका है। मतलब आप पोजीशन नहीं हुआ, पोजीशन पे वो 100% को क्रॉस कर जाएगा, इतनी बेहतरीन लोकेशन है, चारों तरफ क्या बोलते हैं 10 करोड़ की विला बनी हुई है उसकी प्रोजेक्ट के, तो वो लोकेशन इतनी प्रॉपर है। बिल्डर ने तो इश्यूज करे हुए हैं, देगा वो 1-1.5 साल, लेकिन अलॉटीज जो हैं वो बैठे हैं शांति से, क्योंकि उन्हें रोज जाके देखते हैं अपनी लोकेशन। तो ये 3 प्रोजेक्ट्स थे जहां मैंने नाम नहीं लिया, मैं नाम लेता हूं 2 प्रोजेक्ट्स का। सन सिटी 102 सेक्टर गुड़गांव का, वहां एप्रिसिएशन 100% आ चुका है, 20 लाख का 40 लाख का हो चुका है फ्लैट, और रेंटल यील्ड 10% के करीब है। और तुलिप लेमन, वो अपना SPR रोड पे है, 69 सेक्टर में है, वो 100% एप्रिसिएशन आ चुका है और 11 से 12 रेंटल यील्ड है। तो मैंने 5 प्रोजेक्ट बताए, इन दोनों में कोई इश्यूज नहीं थे, इन ये अच्छे प्रोजेक्ट्स थे, इनमें आप कोई टिक नहीं कर सकते कि कोई गड़बड़ थी। तो जिसमें गड़बड़ नहीं हुई वहां 100% आया है और 10 से 11% है, बाकी गड़बड़ वालों के मैंने आपको फिगर्स बता दिए। तो ये आप लोगों को मैं थोड़ा उस तरह शांति से करना चाह रहा हूं कि ये रिजल्ट हो चुका है, ये 5 बन चुके हैं, तो मैंने एक रिजल्ट बताया, अभी बनने बहुत बाकी हैं। तो अभी मैं आता हूं कि अगला इस पे आता हूं कि 5-4 मैं आपको ऑब्जर्वेशंस बताता हूं जो लोगों की नॉर्मली रहती हैं, इन प्रोजेक्ट्स को जब कोई देखने आता है या आप सेलेक्ट करने जाते हैं, तो उन ऑब्जर्वेशंस को भी आप अपना बैक ऑफ माइंड में रखना कि ये ऑब्जर्वेशंस कैसी हैं। एक ऑब्जर्वेशन आती है जी, इसमें तो हाई टेंशन केबल चल रही है, कई अफोर्डेबल हाउसिंग में ये है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में जो प्रोजेक्ट है 5 एकड़ का, उसमें एक हाई टेंशन केबल जा रहा है, तो आपको इसमें देखना है जी, इसमें कार पार्किंग की जगह बन के आ गई आपके, उसके नीचे टावर नहीं आएंगे। हर आदमी इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, यहां कौन लोग रहेंगे उसके हिसाब से नहीं देख रहा, हर आदमी अपने उस हिसाब से देख रहा है कि पता नहीं किससे कंपेयर कर रहा है ये। वो अगर आप 2.5 करोड़ वाले फ्लैटों से कंपेयर करोगे इनको, तो जहां उनका तो EDC, IDC और GST इनसे ज्यादा है, तो उन फ्लैटों से कंपेयर नहीं करना है आपको, कंपेयर करना है अर्बन विलेजेस के साथ, वो कि उनसे बेटर है। सेकेंड पॉइंट आता है, कोई कहता है जी बहुत ये छोटे मकान है जी, 645 कार्पेट एरिया, 3 BHK का, 2 BHK का, 600-550 के करीब और 100 फुट की बालकनी, छोटा नहीं है। मैंने मुंबई पे वीडियो बनाया है रियल एस्टेट पे, प्लीज उसको देख लीजिएगा। ये नौकरियां तो लोगों की 30,000 रुपए की लग रही है और ये फ्लैट उनको बहुत लोगों को छोटे नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंड जिन लोगों की 3-3 लाख भी तनख्वाह है, उनके बच्चों की नौकरी नहीं लग रही, तो उनको फ्लैट, उनको खुद रहना नहीं है, इन्वेस्टमेंट पर्पस है जिसका, लेकिन फ्लैट छोटे आ रहे हैं। मेरे हिसाब से तो छोटे नहीं है, किसी हिसाब से भी छोटे फ्लैट नहीं है ये फ्लैट, काफी अगर रूम का साइज निकाल के देखेंगे तो 10x11 का रूम का साइज निकल रहा है, मेरे हिसाब से तो छोटे नहीं है फॉर द अमाउंट विच दे आर चार्जिंग। इतने रेट में हिंदुस्तान में किसी भी जगह, कोई भी गांव पकड़ लो, कोई राजस्थान में जमीन सस्ती हो सकती है या कहीं और किसी जगह जहां जमीन की कॉस्ट आप मत लगाए, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 3 रूम्स 3 बेडरूम्स
ड्राइंग डाइनिंग, एक किचन, दो बालकनी, दो बाथरूम आप 26 लाख में बना के दिखा दो तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में भी नहीं बनेंगे। प्रॉफिट की बात बाकी टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन और लैंड का कॉस्ट और क्लियरेंसेज और वो सब कॉस्ट ऑफ फंड्स कुछ नहीं। सिर्फ आप अपना कहीं भी गांव है जहां आपके पास लैंड जीरो कॉस्ट की है, मतलब आप खरीद नहीं रहे, आप मुझे 3 बेडरूम, ड्राइंग डाइनिंग, किचन, दो बालकनी बना के, दो बाथरूम बना के कोई दिखा दे, बता दे तो आई बी सरप्राइज। ठीक है, तो ये छोटे नहीं है। फिर एक ऑब्जर्वेशन आता है कि जी कार पार्किंग नहीं है। तो जी कार पार्किंग 24 दिसंबर 2020 को हरियाणा गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है, वो बना सकते हैं, आने वाले प्रोजेक्ट्स में आएंगी। इसमें एक कैच ये है कि 5% बिल्डर अपार्टमेंट की कॉस्ट रिकवर करेगा एक्स्ट्रा कार पार्किंग के लिए। अब वो कवर्ड आएगी, ओपन आएगी, डेडिकेटेड कैसे आएगी, उस पर मॉडलिटीज आर बीइंग वर्कड आउट। पुराने प्रोजेक्ट्स में भी अगर 66% से ज्यादा जो अलॉटीज हैं इस अफोर्डेबल हाउसिंग के वो एग्री करते हैं तो वहां भी बिल्डर आपको ये प्राइस लेके सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5% ऑफ द कॉस्ट आपको कार पार्किंग दे सकता है। मेरे हिसाब से ऑब्वियसली 66% लोग से ज्यादा ऑप्ट करेंगे, एंड जो उनकी टू व्हीलर पार्किंग तो मिल ही रही थी तो बहुत बिल्डर्स उसके नीचे स्ट्रीट के नीचे टू व्हीलर का जो जगह निकलते उसमें 4 व्हीलर की जगह दे देंगे, ओपन स्पेस में कार पार्किंग निकाल लेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि 66% पुराने वाले भी जो होंगे, आई एम श्योर बाय पेइंग 5% ऑफ द कॉस्ट मोस्ट सोसाइटीज जो बन रही हैं पुरानी वाली भी जो पोजिशन पे आएंगी 1-2-3 साल में, दे विल एग्री। तो ये वाला जो पॉइंट था ये भी मुझे निकलता दिख रहा है। एक ऑब्जर्वेशन आती है जी बहुत ज्यादा फ्लैट बन रहे हैं। लोग ना, एक डायलॉग है लोगों का, कैलकुलेशन अगर उनसे पूछो ना भी गुड़गांव की पॉपुलेशन कितनी है पता नहीं है, कितने लोग आते हैं यहाँ पे पता नहीं है। ठीक है, लेकिन जनरली एक ऐसे अंदाजा है, मुझे लग रहा है सिंड्रोम है वो। ठीक है, उनको ये नहीं पता जी यहाँ पे अर्बन विलेजेस जो है ना जी, जैसे बड़े बड़ों के नाम ही ले रहा हूं, वजीराबाद, झारसा, टीगरा, धनकोट, कातरपुरी, दौलताबाद, बजघेड़ा, बसाई, धनवनपुर, इनमें बहुत लोग रहते हैं और बहुत बच्चे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं वो, क्या नू, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक, बहादुरगढ़, आपका हिसार तक भी आ रहे हैं। तो वो बच्चे हैं नौकरियों के लिए आते हैं, उनकी नौकरियां 25,000 से 40,000 के बीच में हैं, एंड वो बच्चे जो आ रहे हैं वो अब जहां 10,000 से 15,000 के लोग रहते हैं वहां नहीं रह सकते। गुड़गांव में लकीली स्लम्स नहीं है, वहां अर्बन विलेजेस हैं ये, एंड यहाँ अब ये वाले 25 से 40 वाले भी रह रहे हैं क्योंकि बड़ी सोसाइटीज वाले अब इनको रखते नहीं, उनके रूल रेगुलेशन RWA के हैं। बैचलर्स के लिविंग के इश्यूज तो हैं, एंड स्पेशली जो अब 4 लाख की तनख्वाह, 3 लाख, 2.5 लाख की तनख्वाह वाला बैचलर होगा उस पर प्रेजुडिसेस नहीं है, लेकिन बेचारे जो 35,000-30,000 इस तरह की इनकम वाले बच्चे हैं हमारे, उनको नहीं सोसाइटी में इकट्ठे कर रहे। वो कहते हैं भी हम एक फ्लैट ले लेते हैं 3-4-5 जने मिलके, वो भी नहीं कर रहे। और ये कोविड और इसके बाद ये पीजी सिस्टम भी कोलैप्स कर रहा है क्योंकि लोग बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहते। हर आदमी चाहता भी एक कमरा मुझे मिल जाए, मेरा बाथरूम मुझे मिल जाए। तो ये बहुत बड़ी स्टोरी प्ले आउट हो रही है। तो ये स्टोरी, एंड दूसरा एक लिविंग इन कल्चर भी आ रहा है मार्केट में, तो वो लड़का लड़की वाला, तो वो उसमें आप समझ सकते हैं इश्यूज रहते हैं। तो ये एक नीश सेगमेंट बन रहा है, मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इंडिया की बेस्ट है मेरे हिसाब से तो, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेशन, टिकट साइज, रेंटल इनकम, हर हिसाब से। कोई बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 3-3.5 साल में 20-25 लाख रुपया जाना है, अलॉटमेंट ड्रॉ के साथ होना है, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत लोग पूछते हैं मेरे को ना चॉइस नहीं मिलेगी, ड्रॉ पता नहीं ये निकल जाएगा मेरा, वो निकल जाएगा। जी जो बच्चे इसके अंदर रह रहे हैं ना वो, उनको कोई सुध-बुध नहीं, बेचारे 8 बजे जाते हैं काम पे अपने और रात को 8-9 बजे आते हैं। वो आपका नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, नीचे वाला, ऊपर वाला, उस पर बहुत लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं जी। वो 1.5-2 करोड़ का प्लॉट लो ना, फ्लैट लो, तो आप इतना दिमाग लगाओ तो समझ में आता है। यहाँ सरकार आप पे बहुत आशीर्वाद दे रही है, 2013 का 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का रेट है, वो ही 2021 में है। किसी चीज पे तो गवर्नमेंट को हमें थैंक यू कहना चाहिए, 8 साल से 1 रुपया रेट नहीं बढ़ाया है,
गवर्नमेंट ने बिल्डर्स का पहले 4% कमर्शियल मिलता था, अलाउड था सेल करना प्रोजेक्ट में, अभी गवर्नमेंट ने दिसंबर अमेंडमेंट में उसको 8% कर दिया है। तो गवर्नमेंट बिल्डर को अलग से इंसेंटिव दे रही है, बट आम जनता के लिए उसने पकड़ रखा है 4000 पे। पूरे हिंदुस्तान में हमारे 8 साल से किसी चीज का रेट बता दो जो बढ़ा नहीं है। तो 2013 में जो 4000 रुपए रेट था वही 2021 में 4000 रुपए रेट है। इस पे भी लोग अगर बहुत सवाल और क्वेश्चन और वो सब पूछते हैं तो मैं बोलूंगा जी इनोवा क्रिस्टा गाड़ी है जो अपनी उसकी ऑन रोड प्राइस से कम में अगर आपको 2 BHK 3 BHK मिल रहा है तो इसमें आप कहां गलत हो सकते हैं, कितने गलत हो सकते हैं, ये आप लोगों को सोचना है। वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताएंगे। अगर डिमांड रहेगी तो मैं एक आधा 2-3 प्रोजेक्ट्स का बाहर निकलकर अपने ये जो सेटअप है मेरा इससे बाहर निकलकर एक्चुअल लोकेशन पे अगर आप चाहेंगे वीडियो में मैं शूट करूं तो मैं उसमें शूट करके वहां आपको चीजें दिखा सकता हूं कि जो ये मैंने बातें बोल रहा हूं तो देखने में तो और मजा आता है। तो अगर आप लोग ये वीडियो को अच्छी लाइक्स मिल जाएंगी, शेयर करेंगे, अच्छे कमेंट्स आएंगे कि हाँ कुछ चीज अच्छी सी बता रहे हो तो फिर आई विल डेफिनेटली पुट इन मोर एफर्ट एंड मैं 1-2 वीडियो बाहर जाकर एक आधा कोई प्रोजेक्ट पकड़ के उस प्रोजेक्ट में ये सारे एग्जाम्पल्स दिखा दूंगा कि भी इसको देख लो, लोकेशन को देख लो। तो आप बताइएगा। चैनल जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू।